अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं लिखी मेरी कंप्लीट। तेरी मेहरबानी। बीच में गुस्से आते मरीज पे चलाएं। अंदर आजा भाई, अंदर। मर्द उठाते होते हैं सब। वाओ, इतने मजे के दही भल्ले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज है जी मेरे मेके में मेरी पहली अफ्तारी और हम लोग थोड़ा लेट हो रहे थे इसलिए मैंने व्लॉग बस यहीं से स्टार्ट कर लिया और अब हम लोग निकलने के लिए एकदम से रेडी हैं। तेरी मेहरबानी। इतनी जल्दी में लोग आते हैं सबके साथ भी, जरा सब्र कर लो, जरा आराम से आ जाओ, इतनी फटाफट से। बीच में गुस्से आते हैं, गुस्ते आते हैं। जज्बाती कौम हमारी रुकती नहीं है। ये पाकिस्तानी कौम है, गुस्ते आते हैं बीच में। नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि ऐसे ही यार भाई, थोड़ा सा सब्र करके चलो, फिर लग जाती है, फिर कहते हैं यार ओ देखो गरीब हाँ। आदमी को गाड़ी वाले को समझते नहीं है, साइकिल हाँ, वाले फिर को ये बोलना शुरू कर देते हैं, पता नहीं। तो बाइक वाला फौरन से गरीब हो जाता है, भावे उसके घर लाखों रुपए पड़े हाँ। और बेचारा गाड़ी वाले के पास पेट्रोल के पैसे ना हो जाए। सही बात है, यहाँ किराए पे लेके आया हो तो और क्या, ये भी तो हो सकता है ना उसके। वो बेचारा किसी से मांग के आया हो, किसी यार दोस्त से, और उसकी बेचारे की लग जाए वो नहीं, साथ भी बम्पर ले जाते हैं, फिर कहते हैं आप लोगों की गलती, आप लोगों ने गाड़ी रोकी नहीं। मरीज पे चलाएं, फ्लाईओवर पे ले जाएं, फ्लाईओवर में नहीं, फ्लाईओवर पर ले जाएं। फ्लाईओवर कहाँ चलाएं हम लोग, ऐसे ही करते हैं। अल्लाह ने कोई छोटी मोटी गाड़ी दे दी है, लोग कहते हैं पता नहीं, बस ये अब कितना बस से घुस गया, बीच में घुस गया वो, उसका बस से दरवाजा दरवाजा खोल के अंदर आ जा भाई, अंदर आ जा। कितने पास से गुजर रहे हैं ये लोग, भाई थोड़ा सब्र कर लो यार, ये देख इसको, गोदी में आके बैठ, हीरो बन। क्या बोला तूने? भाई अंदर आ जा, उसका बस है, जरा दरवाजा खोल के अंदर आ जा। वो यार शीशा ऊपर करें, ऊपर ही है यार, कब है ऊपर, वो देखे मट्टी आती है सारी, शीशा ऊपर करके आ जाए, शीशा ऊपर करके आ जाए। हम लोग जी पहुँच गए हैं, आ जाए। ये शॉपर आपने उठाना है, मैंने नहीं, आप मर्द उठाते होते हैं सारी ऐसी चीजें। वाह दीदी वाह दीदी, कभी देखा औरतें उठा रही हैं? नहीं। चलें जी अब हम लोग फिर चलते हैं। जी यहाँ पे हो रही है सारी की तैयारी, क्या बनाया है ना आपने? आप पकोड़े बना रही हैं? बहुत कुछ बनाया है तो मैं थकी पड़ी हूँ अच्छी खासी। थक गई हो? हाँ स्कूल भी तो गई होगी ना। मैंने मेरी ने आज बहुत काम किया। आप क्या कर रही हो? कौन सा शब्द? हमने कहा रूमा की ना शादी के बाद पहली तारी है हमारे घर, तो इसलिए ना जरा सीखना चाहिए, हमें आराम से नहीं काम करना चाहिए। अच्छा ये क्या बनाया हुआ है? वाओ फ्रूट चाट है और जी सा, ओए इतने मजे के दही भल्ले, यम। मेरे को आज बहुत मजा आने वाला है। अच्छा दम पे लगाऊं तो एकदम खराब ही ना हो जाए, थोड़ा सा इसको हिला दें। ये तो मेरा फोन है आपके पास, तो ये मेरे पास आ गया फोन देख के। हाँ फोन ले रहे हैं, वो वाला फोन नहीं चाहिए, ये वाला फोन नहीं, ये देखो ये वाला फोन लो, ये देखो उसके पास आ रहा है, फोन देख के इनसे ऐसा देख रही हूं मतलब, अब उसे देख रही है ना, थोड़ा बर्तन ड्राई कर रही है। हां जी इसमें क्या रखती है? जैसे कुछ भी इसमें भी तो रखना है, क्या रखना? पकौड़े रखने और मैक्रोनी रखनी है। किसमें? इनमें अच्छा लगता है। हां काला नमक है ये? हाँ काला नमक। ऐसे एक पिंच डाल दूँ? साथ ही राइस में जल्दी करना है, इसको पहले पिक करने पड़ती है। और आप ये वो कह रही काला नमक डाल दो, सारी चमचियाँ तो आप चमचियाँ, हाँ चमचियाँ स्टैंड ही पूरा रख देना। ये लो जी काला नमक भी डाल दिया,
इतना टाइम है थाली में? कितना टाइम है? पता नहीं, क्यों नहीं पता? पर हो रहे हैं आप लोग, आज गए हुए थे ट्यूशन, डेली इसी टाइम आते हो, इस टाइम वापस आते हो? ये मशरूम का पापा, ये मशरूम हाँ, नमाज को देर हो जाती है ना वरना। हाँ नमाज को तो देर हो जाती है। चलो क्या चला गया आँख में? अच्छा ये खजूरें भी जरूर आ जाओ। चाहो सही तू हाथ रोक के गया। हर चीज बहुत अच्छी बनी है। हाँ जी ब्राई थी। हाँ हो गई है तुम लोगों की इफ्तारी। इफ्तारी हो गई है क्या? आजकल वाली अब ज़्यादा चल रही हैं। कौन से वाली? मैंने बोला थी दिखाओ कौन कौन सी गेम्स की थी आपने। ये बीबी है हमारा, ये हमारा बीबी है, हमारे छोटे। ये कौन सा सालन है? क्या बनाया आप ही? चिकन स्पेशल कोरमा बनाएंगे तुमने? सारी अच्छी अच्छी सर्व करना। अच्छा सारी अच्छी अच्छी गली बनाई बजाई चूल्हा चलाओ जैसी बनी है। अपनी तो तेरी अच्छी बन जाती है, तो ये हमारी दफा तो जैसी बनी है। चावल गर्म ही है। टीवी लगाओ ना, मैं ना टीवी क्यों नहीं लग रही है आपसे? अच्छा हमको सिखा दिया है। तो ये कौन से राइस हैं? मटर पुलाव। वाओ ये बहुत मजे के लग रहे हैं। सारे बड़ा मजे का लग रहा है। मैं आपके हाथों में तो ऑलरेडी बहुत टेस्ट है, आपके हाथों में भी आ जाएगा। शादी को इतना टाइम होने जब आप एक दो बच्चों की माँ बन जाओगी। ये जी हमारी आ गई चाय। कौन सा कप मेरा? ये वाला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आप लोगों के बचपन की पिक्चर्स हैं सारी, अभी ओपन होंगी ठीक है। सब्र तो करो। ये देखो ये नाबिया का बचपन है। यस तो अनाबिया भी प्यारी है। कपड़े ये अपना बच्चा का ये मैं हूँ। ये नूर है। ये मैं हूँ। मेरा कपड़े ऐसा नूर है। ये मैं हूँ। मैं जारून। ये देखो ये अनाबिया ये मैं नूर और ये जारून। बस जी अब हम लोग घर जा रहे हैं और हमेशा की तरह आज भी रोड पे बहुत ज़्यादा रश है। ईद के दिनों में रोड पे बहुत एक्सट्रीम लेवल का रश होता है। आखिरी ऐशर है रोज़े के, बहुत रश रहेगा। हाँ जी तो ये है मेरी आज की कंप्लीट लुक। आज भी मैंने बहुत स्लीक सी लुक रखी है और ये मैंने सिंपल सा जैकार्ड का सूट पहना है। कल लॉन का फ्रॉक था और आज मैंने जैकार्ड का सूट पहना है। इसके साथ ये पैचेस थे, इन्होंने दिए हुए थे तो ये वाले पैचेस मैंने यहाँ पे लगवा लिए थे और साथ इसके ट्राउज़र पे भी पैचेस लगे हुए थे। और मैंने शूज़ ज़रा थोड़ा सा फैंसी कर लिया है क्योंकि ज़ाहिर है न्यूली वेड है तो फिर हर कोई कहता है कि थोड़ा सा फैंसी टच भी होना चाहिए। इसका दुपट्टा, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, सारा जैकार्ड का दुपट्टा है। ये देखें ये ऐसे है और ये वाली जो थी ना पाइपिंग, ये मैंने खुद करवा ली थी इस तरीके से। पाइपिंग नहीं क्या बोलते हैं इसको, पीको। ये वाली पीको मैंने इस पर खुद करवा ली थी, जिगजैग वाली। और बाकी इस पर भी इसी तरह का डिज़ाइन बना हुआ था। तो एक प्यारा सा थ्री पीस सूट बिल्कुल रेडी है। ज्वेलरी में मैंने सिर्फ ये वॉच पहन ली है और मैंने ये चूड़ियाँ पहन ली हैं, दो मैंने बैंगल्स ही रखी हैं, इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया। तो ये थी मेरी कम्प्लीट लुक।